जर्मनी पहले मुल्कों में है जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला था, और जर्मनी ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है कोरोना के लिहाज से। लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, सोशल आइसोलेशन के में लोगों ने सही सीरियसली रखा हुआ है। हाउसिंग डॉर्म्स हैं यहाँ पे, ये एक एक बिल्डिंग के अंदर जो है 500-500, 400 लोग रहते हैं, और ये सारी बिल्डिंग्स हैं। और देखें, आपको यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दुकानें मेडिसिन की खुली हुई हैं और सिर्फ खानों की दुकानें खुली हुई हैं। ये ऊपर सारा प्लाजा, सारे जिम, ये सब बंद हुआ है। ये यहाँ की यूनिवर्सिटी होती है नॉर्मली, मगर क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारी जगह बंद है। मैं आपको बाहर से वीडियो बना कर दिखा सकता हूँ, ये सारी जगह खाली। और जब तक कोरोना नॉर्मलाइज नहीं हो जाता यहाँ पे, ये स्कूल वगैरह बंद ही रहेंगे। ये जगह म्यूनिख का सबसे फेमस पार्क इंग्लिश गार्डन है, जहाँ पे यूजुअली लोग भरे हुए होते हैं। अब ये जगह बिल्कुल खाली है, लोग आते भी हैं तो एक अकेला आता है रनिंग के लिए, या दो लोग आ जाते हैं। एक और वजह, यहाँ पे जो जर्मनी ने रिस्पॉन्स दिया था कि इन्होंने अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत जल्दी बंद कर दी थी, इसके साथ साथ इन्होंने अपनी यूरोपियन बॉर्डर भी क्लोज़ कर दी थी। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आप अगर जर्मन सिटीज़न है या यूरोपियन सिटीज़न है, आप कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं वीज़ा या पासपोर्ट के बगैर। जर्मनी ने पहली दफ़ा शेंगेन एरिया की हिस्ट्री के अंदर अपनी सारी बॉर्डर्स बंद कर दी, जिसका मतलब है आपकी दूसरे मुल्क से इन्फेक्शन जो हैं यहाँ पे बहुत कम आना ख़त्म हो गई थी, स्पेशली क्योंकि इटली और स्पेन के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल रही थी। मेरा तो अपने हमवतनों से यही दरख्वास्त है कि इसको वायरस को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि जितनी सीरियसली हम लोग लेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग घरों में रहेंगे, उतनी ज़्यादा जानें बचेंगी। और इसकी वजह से सिर्फ आपकी जान नहीं, आपके इर्द गिर्द हर लोगों हर बंदे की जान बच सकती है। और क्योंकि इन लोगों ने इस वायरस को सीरियसली लिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता से मुल्क वापस नॉर्मल की तरफ जा रहा है। इनकी दुकानें, उनके स्कूल, उनको उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 हफ्तों तक खुल जाएंगे, मगर अगर हमने नहीं लिया इसका सीरियसली तो बहुत ज़्यादा जाने जाएंगी और पाकिस्तान नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।